तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं ऑनर के एटेक्स के बारे में। हालांकि आप जानते हो 7X आया था जो कि मेरे पास यहां पर है और 7X मैंने यूज़ भी किया, बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन है और अभी तक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो 7X यहां पर आया और यहां पर अब आने वाला है 8X। तो क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, हालांकि लॉन्च हो चुका है ग्लोबली, दुबई में हो गया है और स्पेसिफिकेशन क्या सामने आ गए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या ये किसको टक्कर देने वाला है, क्या इसका प्राइस होने वाला है, कब लॉन्च होगा इंडिया में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। जाने के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं 8X की, तो यहाँ पर आपको जो 8X मिलने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपका होने वाला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 6.50 इंचेस की आपको IPS डिस्प्ले आपको मिल जाएगी और डिस्प्ले जो होगी बहुत ही ब्राइट, बहुत ही पंची होगी और बहुत ही अच्छी यहाँ पर होगी। प्रोसेसर बताया जा रहा है कि 710 आपको देखने को मिल जाएगा और बताया भी जा रहा है कि आपको जो बैटरी मिलेगी वो आपको कई बार मिलेगी 3750 mAh तक की बैटरी। कैमरा भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, नाइट मोड करके भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और AI कैमराज होंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको ओवरऑल पिक्स देने वाले हैं। और वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या मिल जाता है, तो ब्लू एंड रेड कलर आपको मिल जाते हैं। बैक जो इसका है वो बहुत ही यहाँ पर शाइनिंग है और बहुत ही बेहतरीन लुक सामने लेकर आ रहा है। लुक के मामले में बहुत यहाँ पर क्लियर ये फ़ोन है। बात करते हैं कैमरा कॉम्बिनेशन, कैसा कैमरा सेटअप किया गया है, तो बैक में आपको 20+2 मेगापिक्सल मिलेगा और ये ऑनर ने ही स्टार्टिंग की थी। 7X में भी यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है कॉम्बिनेशन के साथ में, तो ये ऑनर ने ही स्टार्टिंग की थी और वो अब यहाँ पर 20+2 मेगापिक्सल बैक में कैमरा लेकर आ रहे हैं और फ्रंट में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 16 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर। तो अब बात करते हैं इंडिया लॉन्च कब होगा, तो इंडिया लॉन्च यहाँ पर बताया जा रहा है 16 अक्टूबर को यहाँ पर लॉन्च है। दुबई में इसको लॉन्च कर दिया गया है और वहाँ पर लोगों के हाथों में फ़ोन आ चुका है। तो अब बताता हूँ यहाँ पर और स्पेसिफिकेशन आपके जो बसते हैं वो है कि इसका जो रैम वेरिएंट है वो यहाँ पर आपका होने वाला है 4GB रैम। आपका जो रैम वेरिएंट है वो यहाँ पर है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6GB रैम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 128GB स्टोरेज के साथ में। बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस आपको होने वाला है यहाँ पर अगर दुबई में देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ 18 या 19 हज़ार रुपये के आसपास बैठता है, लेकिन अगर इंडिया में जब ये लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो प्राइस होने वाला है वो यहाँ पर होगा 15 से 16 हज़ार रुपये तक का। तो ये टक्कर देगा सीधे सीधे Realme 2 Pro को जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है, बहुत लोग इसे खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन 8X यहाँ पर काफ़ी नए फीचर्स के साथ, काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर, काफ़ी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस, GPU टर्बो भी आपको मिल जाएगा अगर आप गेमिंग लवर हो, PUBG खेलना चाहते हो, तो बहुत कुछ यहाँ पर ये लेकर आ रहा है। और जो यहाँ पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगी 8X में वो यहाँ पर सबसे बेहतरीन मिलने वाली है जो कि 15-16 हज़ार के फ़ोनों में आते हैं। तो कड़ी टक्कर देने वाला है और सबका बाप यहाँ पर निकल के आने वाला है ऑनर का 8X। बाकी Realme 2 Pro के बारे में तो मैं बता ही दिया हूँ कि उसका यहाँ पर टक्कर दे देगा सीधा सीधा अगर 8X 15 से 16 हज़ार रुपये के प्राइस में लॉन्च हो गया। आपके क्या ओपिनियन है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं सुधारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल कहते हैं दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।